सेकेंड्स। फिर इस पानी को पी लो। अब हमने पानी नहीं पिया, पूरा ग्लास अमृत का पी लिया। रेडी पीने के लिए? इजी इजी। हमारी मन की स्थिति रोज डिप्लीट क्यों हो रही है? क्योंकि हम पता नहीं कितने लोगों की मन की स्थिति को अब्सॉर्ब कर रहे हैं सारा दिन। 3-4 दिन करेंगे, आदत पड़ जाएगी। कोई भी चीज पिएंगे खाएंगे नहीं बिना ये 10 सेकंड रुके। अगर आपके घर में आपको या किसी और को कोई बीमारी है, सिर्फ उनको जो खिला रहे हो, पिला रहे हो, दवाई खिला रहे हो, 10 सेकंड पॉज करो। इस चीज में भगवान की शक्तियां भरी हुई हैं। ये परमात्मा की प्योरिटी से भरी हुई है। ये आत्मा इस पानी के ग्लास को पिएगी और उसके शरीर की प्रॉब्लम फिनिश्ड। अब पिलाओ। ये पावर है। जब आपके बच्चे का एग्जाम होता है, आप किचन में जाते हैं, मैं दूध पिलाऊंगी उसको, तो हम दूध का ग्लास लेते हैं, बोनवीटा उसमें गोल गोल घुमाते हैं। साथ में क्या घुमाते हैं? पढ़ा ही नहीं सारा साल, पता नहीं क्या होएगा इसका इस बार, पास होगा कि नहीं होगा, नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, एंट्रेंस एग्जाम में क्लियर होगा कि नहीं। ये सारी एनर्जी मिला के हम उसको बोलते हैं ये ले दूध पी ले। ऐसा दूध पिलाना नहीं है। अब इसका ऑपोजिट, आप बोनवीटा घुमाते घुमाते साथ में कुछ और घुमा दो। परमात्मा शांति का सागर है, उसकी वाइब्रेशन इस दूध के ग्लास में भर रही है। मेरा बच्चा इस ग्लास के दूध को पिएगा और उसका मन बिल्कुल शांत, पीसफुल, पावरफुल। कल उसका एग्जाम बिल्कुल बेस्ट होने वाला है। अब इसको पिलाएं। वर्क करेगा कि नहीं करेगा? वर्क करेगा, करके देखना है, फिर बताना है वर्क क्या क्या नहीं है। इट वर्क्स। वी हैव टू डू इट टू एवरीथिंग वी ईट एंड ड्रिंक। जो भी भोजन हम खाते हैं, अगर उसमें हम परमात्मा की याद की वाइब्रेशन डाल दें, वो भोजन भोजन नहीं प्रसाद बन जाएगा। फिर हमें इतना सा प्रसाद नहीं लेना सिर्फ मंदिर में, हमारी थाली पूरा प्रसाद है, पूरा प्रसाद है। आपके घर में, अपने परिवार में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है, कुछ बात है, एनर्जी को डालो सबके खाने और पानी में, और कुछ ही दिनों में वहां चीजें बदलती हुई दिखाई देंगी। लोगों को पता ही नहीं चलेगा उनका मन ठीक क्यों होता जा रहा है, क्योंकि उनके ऊपर कुछ किया जा रहा है। पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट की जा सकती है सामने वाले को। कोई भी चीज खाना पीना नहीं बिना उसको प्योरिफाई किए, क्योंकि वातावरण में बहुत सारी वाइब्रेशन है, बहुत सारे लोगों की मन की स्थिति उस पर असर करती है। एक बार हमारे पास सेंटर पर एक भाई आए, बहुत बिजनेसमैन, रिच, कहते पता नहीं मुझे क्या हो गया है, एक हफ्ते से मुझे सपना आ रहा है कि मैं जैसे चौल एरिया जो होता है ना, स्लम एरिया, उसमें मैं कमरा ढूंढ रहा हूं, मैं खोली ढूंढ रहा हूं, बोलता है। कहता है ये मेरा पास्ट है या ये मेरा फ्यूचर है, ये मुझे ऐसे सपने क्यों आते हैं? हमें आंसर नहीं पता था। हमने कहा कोई बात नहीं भाई, सब ठीक हो जाएगा, छोड़ो, इतना सोचो नहीं सपने के बारे में। 8-10 दिन के बाद जो बहन उनके घर खाना बनाती थी, जो लेडी, उसने आकर कहा साहब मुझे 25,000 रुपये चाहिए, मुझे खोली लेनी है। उन्होंने दे दिया। दूसरे दिन के बाद सपने बंद हो गए। वो बहन ने कहा थैंक यू साहब, मेरे को बहुत दिन से बहुत टेंशन थी, खोली नहीं मिल रही थी। उस टेंशन की स्थिति में जो खाना बनाया, डायरेक्ट असर मन के ऊपर। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा अन्न बनता है। अगर किसी दिन मन थोड़ा भी परेशान है, नाराज है, उदास है, जीवन में कुछ हुआ नहीं है फिर भी अच्छा नहीं लग रहा, चेक करना आज किसके हाथ का खाना खाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम सारा दिन ये नहीं चेक कर सकते किसके हाथ का खाना है, किसने बनाया, जिसने बनाया उसकी मन की स्थिति कैसे, वी कांट चेक।
सो व्हाट कैन वी सिंपली डू, जब वो हमारे सामने आए तो हमें उसको प्योरिफाई कर देना है, ताकि वो जो एनर्जी थी वो एनर्जी सारी क्या हो जाए, क्लीन हो जाए, और हम जो खाएं वो प्रसाद हो, वो अमृत पिए। इजी है करना, इजी है करना, इजी है। चार पांच दिन किया ना, उसके बाद अंदर जाएगा ही नहीं कुछ बिना वो किए, इतनी आदत पड़ जाएगी। दिन में तीन चार कप चाय पी लेते हैं, उसको अमृत बनाकर फिर पिए। एक प्रोग्राम ने, एक भाई ने मुझे उठकर कहा, हम नॉनवेज और अल्कोहल को भी ऐसा करके पी सकते हैं क्या? हम हर चीज में युक्ति कितने अच्छे ढूंढते हैं ना, फटाफट कहते फिर उसको भी तो प्योरीफाई करके फिर ऐसे खा लेंगे पी लेंगे। हर चीज की एनर्जी है। जब किसी जानवर को बांधा जाता है 10 दिन, उसको पता होता है कि उसको मारने वाले हैं, तो उसकी एनर्जी कैसी होगी, उसके मन की स्थिति कैसी होगी, कैसी होगी मन की स्थिति, क्या चलेगा उस जानवर के मन के अंदर? उसको पता है उसको मारना जाने वाला है, क्या चलेगा उसके अंदर, क्या चलेगा उसके अंदर? डर और नफरत, गुस्सा, दर्द, और ये सब मन की स्थिति उसके शरीर में वाइब्रेट करेगी, और फिर 15-20 दिन बाद वो हमारी प्लेट में आएगा और हम कहेंगे प्रोटीन्स वेरी हेल्दी, प्रोटीन विद द वाइब्रेशन ऑफ दर्द, डर, हर्ट, नफरत, गुस्सा, जबकि हमारे पास ऑलरेडी अपने इतने डर और दर्द हैं, तो क्यों किसी और का अब्सॉर्ब करना? जैसा अन्न वैसा मन, अगर पावरफुल पीसफुल मन चाहिए, सात्विक मन चाहिए, तो अन्न तो सात्विक होना पड़ेगा। जब हमारे घर में किसी की डेथ होती है, डेड बॉडी घर में पड़ी होती है, उस दिन घर में खाना नहीं बनता। पहले अंतिम संस्कार, फिर नहाना धोना, फिर घर की धुलाई, फिर खाना। अपने फैमिली मेंबर की डेड बॉडी पड़ी है, खाना नहीं बनता, और अपने किचन में पता नहीं कौन सी डेड बॉडी का खाना बन रहा है। हाउ कैन वी डू दिस? ये छोटी छोटी चीजें आत्मा की शक्ति को घटा रही है, और फिर हम कहते हैं क्या करें, टेंशन क्यों है, नाराज क्यों है, गुस्सा क्यों है? आत्मा की शक्ति कम है, डर क्यों लग रहा है, शक्ति कम है।